आज अपन गुड मॉर्निंग, आज अपन पढ़ेंगे वर्ण विचार और उच्चारण। जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, या फिर कह सकते हैं भाषा की बात छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। ठीक है, अब दूसरा वर्ण तो आप जान ही गए कि वर्ण क्या होते हैं, क च ट अ म, ये सभी क्या हैं, ये हैं वर्ण। अब आता है आपका वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों का क्रमबद्ध समूह। अभी तो अपन कहीं भी कुछ भी लिख दिया तो ये तो केवल क्या है, वर्ण है, जबकि वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह होता है वो क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। अब आप वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या होता है, आ आ ई ई उ उ ऋषि ए ऐ ओ औ अंग क ख ग घ ण च छ ज ज ण ट ठ ड ड ण त थ द ध न प प व व म य र ल व श श श ह छत्र ज्ञ शम। इस तरह से वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है, उसको सिस्टम वाइज से लिखा जाता है। ठीक है, अब अपन आते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के मुख्य दो भेद होते हैं, वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद कौन कौन से हैं, पहला तो है आपका स्वर और दूसरा क्या है, व्यंजन। ठीक है, अब स्वर, स्वर क्या होता है, स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती वे स्वर कहलाते हैं, या स्वतंत्र रूप से एक ही बात है दोनों। ठीक है, अब वर्ण स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं, स्वर वर्ण मुख्य रूप से 11 होते हैं, कितने होते हैं स्वर, स्वर स्वरों की संख्या 11 है। अब कौन कौन सी है, अ आ ई ई उ उ ऋषि ए आए ओ और औ। ठीक है, इस तरह से स्वर कुल कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक, अब स्वरों का उच्चारण किस किस स्थान पर होता है, किस कौन से स्वर का उच्चारण, तो उस तरह से स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के भेद। ठीक है, स्वर के मुख्य कितने भेद होते हैं, स्वर के मुख्य 3 भेद होते हैं, कौन कौन सा, नंबर 1 होता है ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर होता है इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है ना, इनकी संख्या 4 है, कौन कौन सी है, अ
ई उ और ऋषि, ठीक। अब दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण बहुत कम समय लगता है वो तो ह्रस्व स्वर होते हैं, और ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा जिन स्वरों के उच्चारण में दुगना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 7 है, ठीक है। अब 7 कौन कौन सी है, बड़ा आ ई ओ ए ए ओ और औ, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं पल्लुत स्वर, ठीक है। पल्लुत स्वर क्या होते हैं, पल्लुत स्वर इन स्वरों, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें पल्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा, ह्रस्व की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, दीर्घ में जैसे दुगुना लगता है और पल्लुत स्वर में तिगुना समय लगता है, उन्हें पल्लुत स्वर कहते हैं। इसका उच्चारण बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसलिए इसे ज़्यादातर मान्यता नहीं मिली है। जैसे जैसे ओ, ठीक, अब आता है आपके मात्रा, ठीक है। क्योंकि स्वर हर जगह स्वर के रूप में नहीं लिखे जाते, जब हम व्यंजनों को स्वर के साथ, स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखते हैं तो जो स्वर है उनका रूप बदल जाता है, और स्वर का यह बदला हुआ रूप क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। इस तरह से स्वरों के लिए निश्चित किए गए चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वरों के लिए निश्चित किए गए चिन्ह मात्रा कहलाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि व्यंजन के साथ स्वर कभी भी हमेशा यूं तो नहीं है ना, व्यंजन के साथ स्वर ही लिखा जाएगा, तो उस समय क्या आती है, उसकी मात्रा, ठीक। फिर आता है अपना
अब आपको पता है जितने इसके बाद अपना आता है आयोग वह, आयोग वा, आयोग वह क्या होते हैं, वे सब जे वर्ण जो ना तो पूरी तरह से स्वर होते हैं और ना पूरी तरह से व्यंजन होते हैं, वो होते हैं अयोगवा। अयोगवा का मतलब क्या होता है, अपने आप में योग ना होने पर भी साथ रहना। अयोगवा का मतलब क्या होता है, योग ना होने पर भी साथ रहना, ठीक है। तो अब अयोगवा में कौन कौन से आते हैं, अंग और अंग है, ठीक है। अंग और अंगा क्या है, ये अयोगवाएं, ना तो ये पूरी तरह से स्वर में शामिल है और ना ये पूरी तरह से व्यंजन में, इसलिए इनको अयोगवा कहते हैं, ठीक है। अब अयोगवा में भी अपने जैसे अंग, अंग को क्या बोलते हैं, अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार। अनुस्वार में कौन सा चिन्ह आता है, इसका उच्चारण केवल नाक से किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है, केवल नाक की सहायता से किया जाता है, जैसे रंग, पंख, ठीक है। और इसके बाद अपना आता है अंगा, अब अपना आता है अंगा, अंगा का उच्चारण हा की तरह होता है, इसका किस रूप में क्या आता है, हा की तरह, इसको विसर्ग, इसको क्या कहते हैं, अंगा को क्या कहते हैं, विसर्ग, ठीक है। और इसका उच्चारण हा की तरह होता है, प्रायः इसका उच्चारण संस्कृत शब्दों के लिए किया जाता है, जैसे जैसे प्रायः, अतः, प्रातः आदि, ठीक है, आदि। इसके बाद आता है आपके अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक में कौन सा है, अनुनासिक का उच्चारण मुंह और नाक दोनों की सहायता से किया जाता है, इसका चिन्ह है चंद्रबिंदु, ठीक। तो जैसे कि आंख, मुख, दांत आदि, ठीक है। इसके बाद आता है आगत, आगत, आगत का चिन्ह कौन सा होता है, आ, ठीक है, आगत। आगत का प्रयोग ज्यादातर कहाँ होता है, अंग्रेजी शब्द, जो अंग्रेजी शब्द हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं उनके साथ आगत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, ठीक है, आदि। इसी तरह से आता है, नुक्ता, नुक्ता क्या होता है, नुक्ता एक बिंदी होती है, यह ज़्यादातर फारसी शब्दों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें फारसी शब्दों में प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग केवल किस में होता है, ज में और फ में, जैसे जैसे ली फा फा, ठीक है, जरा, ठीक। इसके बाद अपन आ जाते हैं व्यंजन में, स्वर सबको समझ में आ गया, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है स्वर कहलाते हैं। उसके बाद अब अपन आते हैं व्यंजन,
व्यंजन जिन वर्णों के का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो हैं व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। और जब हम देखते हैं कि जब व्यंजन में वर्णों में स्वर नहीं लगा होता तो उनका रूप कुछ इस तरह से होता है, जैसे स्वर सहित तो व्यंजन हम कैसे लिखेंगे, क ख ग घ, ठीक है। और स्वर रहित अब स्वर के बिना हम कैसे लिखेंगे, क ख ग घ, इस तरह से स्वर के बिना हमेशा व्यंजन आधे लिखे जाते हैं और स्वर के साथ। तो जब हम स्वर के बिना व्यंजनों को लिखते हैं तो उसके नीचे क्या लग जाता है, हलंत, ठीक है। हलंत किस तरह से लगता है, क ख ग घ, इससे पता चलता है कि व्यंजन वर्ण आधे हैं, इनके नीचे हलंत लगा हुआ है। इसके नीचे हलंत लग गया है, नहीं तो ये आधे होते हैं। अब इसके बाद अपन आते हैं व्यंजन के भेद। व्यंजन के मुख्य कितने भेद होते हैं, तीन। व्यंजन के तीन भेद होते हैं, ठीक है। पहला होता है स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीव मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, ठीक है, तो वो होते हैं स्पर्श व्यंजन में आते हैं क से मा तक, ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन में भी इस पर जैसे व्यंजन और उच्चारण स्थान, ठीक है। इस पर व्यंजन में कौन कौन से हैं, जैसे है क ख ग और घ, ये कौन से हैं, ये है कंठ, इसमें कंठ की सहायता ली जाती है, कंठ, ठीक है, कंठ की सहायता से बोले जाते हैं। दूसरे आते हैं आपके च छ ज और अण, च छ ज झ और अण, तो ये कौन से किससे बोलते हैं, तालु क्या होता है, जीभ के ऊपर का हिस्सा, ठीक है। इसके बाद अपने आ जाता है ट ठ ड ढ और अण, इसमें ड और ढ भी शामिल है, ये किससे बोलते हैं, मूर्धा, ठीक है, मूर्धा। इसके बाद आपके आता है ता थ
द, ध और न। ठीक, ये किससे बोलते हैं? दंत। दंत। इसके बाद अपना आता है प, फ, ब, भ और म। ठीक है, और ये किससे बोलते हैं? ओष्ठ। ठीक है, इस तरह से ये कुल कितने होते हैं? इनकी कुल संख्या 27 है। ठीक है, ये सारे क्या हैं? स्पर्श व्यंजन। और इन्हीं इन सभी व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है। ठीक है, क, ख, ग, घ में कंठ का, च, छ, ज, झ में तालु का, ट, ठ, ड, ढ, ढ में मूर्धा का, त, थ, द, ध, न में दंत का और प, फ, ब, व, म में ओष्ठ का। इसके बाद अपन आते हैं, सबने देख लिया, आगे बढ़े। इसके बाद अपन आते हैं अंत्यस्थ व्यंजन पे। अंत्यस्थ व्यंजन, ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन में क्या होता है? इसमें जीभ मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। ठीक है, इसमें जीभ मुख के भागों को स्पर्श नहीं करती, छूती नहीं है, अधर ही अधर रहता है। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में क्या होता है? ऊष्म व्यंजन में इन व्यंजन वर्णों में उच्चारण करते समय जी मुख के जो मुख में हवा जाती है उसमें रगड़ घर्षण होता है, और घर्षण से क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी आती है, और उससे होता है, उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में बहुत अधिक जोर लगाना पड़ता है। ये कौन कौन से हैं? श, श, श और ह। ठीक, इसके बाद आते हैं इसी तरह से संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं दो अलग अलग वर्ण, दो अलग अलग व्यंजन वर्णों को मिलाकर जब लिखा जाता है तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्रम। ठीक, अब जैसे इसको सबसे पहले हम बनाएंगे, छ, क प्लस श बराबर छ। जैसे क्षत्रिय, क्षमा। ठीक, इसके बाद आता है त्र, त प्लस र बराबर त्र, त्र जैसे कि त्रिशूल, त्रिकोण। ठीक है, इसके बाद आता है ज्ञ, ज प्लस अणा बराबर ज्ञ, ज्ञाता, ज्ञानी। ठीक है, इसके बाद आता है श्र, श प्लस र बराबर श्र, जैसे श्रम, श्रमिक आदि। ठीक है, इसके बाद अपने आता है दवित्व व्यंजन। दवित्व व्यंजन क्या होता है? जब दो समान वर्ण, जब दो समान व्यंजन वर्ण मिलकर कोई शब्द का निर्माण करते हैं तो वो दवित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे
क प्लस क बराबर क, जैसे पक्का, चक्का, ठीक है, न प्लस न बराबर नन, जैसे मुन्ना, भिन्न आदि, ठीक है। इसके बाद आते हैं र के रूप। र के रूप आपको पता है र के भी विभिन्न अलग अलग रूप होते हैं, र का उच्चारण भी अलग अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। जब अपन र का प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ करते हैं, व्यंजन वर्णों के साथ करते हैं, तो उसका रूप बदल जाता है। जब किसी रा, जब रा किसी व्यंजन से पहले, जैसे स्वर रहित होता है जिसमें स्वर नहीं होता, उस स्थिति में हम लगाते हैं तो वह अपने अगले वर्ण पर किस तरह से लगाया जाता है, इस तरह से लगाया जाता है, और इसे क्या कहते हैं, रेफर कहते हैं। जैसे कर्म, धर्म आदि, ठीक। अब दूसरा आता है आपका, जब र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आए, जब र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आए तो उसे पदेन रे की तरह लगा जाता है, तो वो उस स्थिति में ये कौन सा र है, रेप का र, ठीक है, और ये है पदेन र। तो रेप रे इस तरह से लगता है और पदेन रे किस तरह से लगता है, इस तरह से, जैसे क्रम, प्राय, ठीक है। अब इसके बाद अपन आते हैं टा और ड में रा का प्रयोग, हमेशा ट और ड में पदेन रे का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें रा का प्रयोग किस तरह से होता है, इस तरह से, जैसे ट्रक, ड्रम आदि, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, जैसे अभी तक अपन ने वर्ण सारा सीखा, स्वर सीख, स्वर देखा, स्वर के बाद व्यंजन देखा, स्वर के रूप देखे, व्यंजन के रूप। अब अपन इन वर्णों को जब अलग करते हैं तो क्या कहलाता है, वो वर्ण विच्छेद, ठीक है। वर्णों को अलग अलग करके, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखने का तरीका क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कमल, ठीक है, तो हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे क आ म आ ल और आ, ठीक है, इस तरह से हमारा तैयार होता है वर्ण विच्छेद, ठीक है। ओके, आज का हमारा चैप्टर समाप्त होता है, धन्यवाद।